आकांक्षा सोसाइटी के तत्वावधान में NKBNG इंटर कॉलेज में हाई स्कूल इंटर की छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। सम्मान समारोह में BMG इंटर कॉलेज की इंटरमीडिएट 492 और हाई स्कूल की 375 छात्राएं शामिल हैं। सोसाइटी की प्रबंध समिति के पदाधिकारी संगीता भार्गव ने सभी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह में प्रधानाचार्य रमा रस्तोगी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। सभी छात्राओं से कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो, इसका फल अवश्य मिलेगा। कॉलेज में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए भैया, इस तरह का प्रोत्साहन बच्चों के लिए मिलता रहना चाहिए, क्योंकि ये बालिकाएं, इनको अच्छा लगेगा अगर इनको प्रोत्साहित करें। किसी भी तरह का अगर प्रोत्साहन मिलता है तो और ललक बन जाती है कि और बेटर करके दिखाएं। तो हमें उम्मीद है कि ये बच्चे इस साल इतना अच्छा परसेंटेज लेके आए हैं, आने वाले समय में ये अपने चनौसी का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और साथ साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन करें। इसी इच्छा से ये कार्यक्रम रखा गया। क्या नाम है आपका? मैं रमा रस्तोगी, प्रधानाचार्य BMG इंटर कॉलेज। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज हमारे विद्यालय में जो हमारे छात्राएं इंटर में और हाई स्कूल में जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, उनको हमारी प्रबंध समिति की जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनको सम्मानित किया और उनको पुरस्कार वितरित किया। और पुरस्कार पाकर के बच्चे बहुत ही प्रोत्साहित हैं, प्रसन्न हैं, और हमारे विद्यालय में आकर के वो यदा कदा जब भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं आती हैं और बच्चों को सम्मानित करती हैं और प्रोत्साहित करती हैं। अच्छा, बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो कि अगले साल को और रिजल्ट अच्छा? मेरे विद्यालय का इस वर्ष जो रिजल्ट रहा है, इंटर का 91.97% है और हाई स्कूल का 91.44% है। दो नंबर से केवल छात्रा रह गई टॉप 10 जिले में आने से, और मैं चाहूँगी कि मेरे आगे आने वाले वर्षों में मेरी छात्राएं बहुत मेहनत करें, परिश्रम करें और मेरे विद्यालय का नाम रोशन करें। वैसे मेरा रिजल्ट, जब से मैं प्रधानाचार्य हुई, मेरा रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही सुधरा है, बच्चे बहुत मेहनत से लगन से पढ़ते हैं।